लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब जनसुराज अभियान के संस्थापक किशोर का बड़ा ऐलान होने जा रहा है। आपको बता दें कि अब जनसुराज अभियान को जल्द ही प्रशांत किशोर पार्टी में परिवर्तित करने जा रहे हैं। जनसुराज अभियान अब एक राजनीतिक दल बनेगा, जिसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरेगी और विधानसभा चुनाव में इस बार असल खेल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर वो तारीख होगी जब जनसुराज को राजनीतिक दल बनाया जाएगा। जनसुराज को अब राजनीतिक दल बनाने का ऐलान हो चुका है। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर के कई प्लान भी बताया है। बता दें कि जनसुराज अभियान अब एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई जनसुराज पदयात्रा अब 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेगी। ये फैसला बीते दिन पटना के ज्ञान भवन स्थित बापू सभागार में हुआ। जनसुराज के संगठन से जुड़े हजारों लोगों ने एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे और वहां आम सहमति से प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बता दें कि कार्यक्रम में कुल 3 प्रस्ताव लाए गए थे और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को हाँ किया। पहला प्रस्ताव लाया गया कि जनसुराज को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कम घोषित किया जाए। इस पर सभी लोगों ने एक सुर में 2 अक्टूबर 2024 की तारीख की बात कही। दूसरा प्रस्ताव ये लाया गया कि जनसुराज बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस प्रस्ताव पर भी सभी लोगों ने एक मत अपनी सहमति दर्ज कराई। तीसरा प्रस्ताव ये पारित किया गया कि जनसुराज समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। इन 3 प्रस्ताव पर लोगों ने सहमति जताई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। हर लोकसभा क्षेत्र के भीतर आने वाले एक विधानसभा सीट से कम एक महिला को जरूर चुनाव लड़ाया जाएगा। जनसुराज के संविधान निर्माण के लिए बनाई गई समिति को संविधान निर्माण करने की स्वीकृति दी गई। पदाधिकारियों ने पार्टी के संविधान को लेकर सुझाव भी दिए। वहीं प्रशांत किशोर ने जनसुराज संगठन के पदाधिकारियों को बूथ पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने और घर घर जनसुराज अभियान को सफल बनाने की उनसे अपील की। और इसी के साथ अब इस बात पर भी मुहर लग गई कि 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान अब राजनीतिक दल में परिवर्तित किया जाएगा। जनसुराज अभियान के पॉलिटिकल पार्टी बनने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।